गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माय सेल्फ स्वस्मिता नायक, आरसी जी की वाइफ हूँ. पर पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ. जब शुरुआत हुई थी लगभग 9 साल पहले, तब मैं बिल्कुल नेगेटिव थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि आशीष जी इस टाइप में कुछ मतलब काम करें. तो मैं अपनी पूरी प्रयास करती रहती थी कि आशीष जी ये काम छोड़ दें. तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पास एक जेटा टी है, तो जेटा टी में मैं टाटा टी मिलाती थी और भी जितने मतलब मिलावट कर सकती थी मैं करती थी, क्योंकि हमारी चाय पत्ती में ना कलर नहीं आती, आप सभी को पता है ना. तो मैं सोचती हूँ पता नहीं कहाँ से उठा लाए हैं और ये इसमें तो कलर तो आता नहीं है, लाखों रुपए कमाने चले, कहीं होगा ऐसे, नहीं होगा. तो जब कभी आशीष जी किसी को प्लान दिखा रहे होते थे घर पे, तो मैं मतलब चाय बनाते बनाते सोचती थी कि ये बंदा ना फंसे, ना करेंगे ये बिजनेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन सब ये बस सपने दिखाते हैं कि बड़ी गाड़ी मिलेगी, बहुत अच्छा इनकम होगा, बड़ा घर होगा, होगा कुछ नहीं. पर इसी प्रयास में मैं अपने प्रयास भी कर रही थी और मैं नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का लिया और मैं बनी भी, टीचर भी बनी. और मुझे पता चला कि कितना मतलब औकात है मेरी मार्केट में. लगभग 50,000 का ट्रेनिंग करने के बाद मुझे सिर्फ 3,000 का नौकरी मिली, और जो कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक होता था. और तब पता चला औकात क्या है मेरी. और उसी के साथ साथ में मुझे किसी ने कहा पार्लर के काम में ज़्यादा पैसा है, तो मैंने पार्लर का काम भी सीख लिया, वो भी करने लगी, ट्यूशन भी पढ़ाने लगी, मतलब काफ़ी कुछ करती थी. और आशीष जी अपने प्रयास में थे और ऐसे ही करते करते एक तालकोटरा स्टेडियम में था रिकॉग्नाइजेशन, क्राउन डायरेक्टर का, वहाँ गई और वहाँ चंचल मैम से मिली और चंचल मैम ने ही मुझे रास्ता दिखाया कि यहाँ पे बहुत सारे लेडीज कामयाब हैं और आप आओगे तो आप भी कामयाब बनोगे. लाजपत नगर गई, पीछे बैठी, मुझे लगता था सुंदर है और जो अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती थी और तो मुझे लगता था जो हिंदी बोल पाए, इंग्लिश बोल पाए, वही कामयाब हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकती. बट चंचल मैम ने काफ़ी कुछ सिखाया, CNT करना सिखाया, बहुत कुछ सीखते 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 फिर मैं आशीष जी के साथ आ गई यहाँ और आज आप सभी के सामने. और जब 2 हाथ 4 हाथ बने और जब मैंने साथ दी और उसके बाद हमारा ECD का लेवल हाईएस्ट इनकम लगभग 3,37,000 रुपये का और और परिवार की पहली लड़की हूँ जो फॉरेन गई, विदेश घूम के आई. तो ये सब शुरुआत से फर्स्ट ड्यूटी की वजह से, शायद अगर मैं आशीष जी का साथ ना देती, मैं भी वहीं रहती, वहीं बच्चों को पढ़ा रही होती और वहीं ट्यूशन पढ़ा रही होती और बच्चों को पढ़ा रही होती और पार्लर का काम कर रही होती. तो मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया, टाइमली डिसीजन लिया. यहाँ पे जितने हैं, लग रहा होगा कि नहीं हो सकता, बट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत आगे जाने वाले हैं हम सब मिलके. और मेरा एक सपना है कि हम सब मिलके क्रूज में जाए, क्योंकि वहाँ बहुत अभी अभी सत्र में दिखाया ना, वहाँ पर मैं भी गई थी और बहुत 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 मज़ा आया था. तो यहाँ पे जितने हैं, आज से एक सपना बांधे कि हम अच्छे से काम करेंगे और क्रूज में जाएंगे. थैंक यू सो वेरी मच. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ऑलरेडी मेरे दोस्त ने बता चुका, मेरा नाम आशीष नायक और मुझे भी 9 साल पूरे हो चुके हैं वेस्टिज में. उससे पहले कि मैं बात करूं, तो उससे पहले मैं किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ समय काम किया और उससे पहले की बात करूं, मैं एक अकाउंट्स मैनेजर की जॉब कर रहा था एक प्राइवेट कंपनी में. दिल्ली में 10 साल नौकरी कर चुका था और 10 साल नौकरी करने के बाद ये महसूस हो चुका था कि मैं जितना भी मेहनत करूं तो मैं वो लाइफ जी नहीं पाऊंगा जो लाइफ में जीना चाहता हूं. इसीलिए मैंने बहुत सारे काम किया और सच्चाई यही है कि हर इंसान 2 तरीके की ज़िंदगी जीता है, एक तो जो अभी जी रहा है और एक वो ज़िंदगी जो जीना चाहता है. और मैं उस ज़िंदगी को पसंद नहीं करता था, मैं जो जी रहा था, मैं उस ज़िंदगी को चाहता था जो जीना चाहता हूँ, बट वो कहीं साधन नहीं मिल रहा था. तो इसीलिए मैं बहुत सारे छोटे छोटे काम भी किया था लेकिन उससे कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ.
उसके बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली और डायरेक्ट सेलिंग में भी मुझे लग रहा था ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, ये नहीं होगा क्योंकि मेरे फील्ड का काम नहीं था, तो मुझे लग रहा था वो वही लोग कर पाएंगे जिनको मार्केटिंग सेल्स का अनुभव है। मेरे पास फाइनेंस अकाउंट्स का अनुभव था तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इंडस्ट्री का सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ पे कोई भी आके अगर सीखना चाहे तो वो कर सकता है। तो मैंने भी सीखना शुरू किया, 2 साल पार्ट टाइम किया, उसके बाद फुल टाइम किया और तब से लेके अभी तक यहाँ पहुँचा। लेकिन उस दौर पे वह हर इंसान नहीं चाहता कि आज की जो जिंदगी है उससे बेहतर जिंदगी सबका हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पहुँचने का तरीका क्या, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिसीजन डेली लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उस डिसीजन में टिक नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली सोचते होंगे कल से मेरे पेट कम होना शुरू हो जाए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बोलते होंगे यार मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा या मैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये करूंगा, लेकिन कर नहीं पाते। और उसके पीछे कारण क्या है कि हम अपने डिसीजन जो भी लेते हैं उसमें टिक नहीं पाते। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे बड़ा खासियत क्या है, अगर आज आपने डिसीजन लेते हैं और इसी तरीके की प्रोग्राम में लगातार रहते हैं, हो सकता है कुछ समय बाद आपको लगे कि डिसीजन इधर उधर हो रहा है, लेकिन दोबारा फिर जब अगले महीने आगे फिर उस डिसीजन पे फिर एक मोहर लग जाएगा। और लगातार जब 1 साल 2 साल तक इस तरीके की इवेंट में रहते हैं तो वो डिसीजन पक्की हो जाती है। जब आपकी डिसीजन पक्की होती है तो आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और 2 साल 3 साल बाद कब आप बदल जाएंगे, कब आप ऐसे ही आप अभी सतपाल जी की तरह गाड़ी और उनके लाइफस्टाइल को आप जिएंगे वो आपको भी पता नहीं। लेकिन लगातार रहिए और इस तरीके की इवेंट की आपकी लाइफ की एक हिस्सा बनाएं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।